हमारे इस चैनल में। फ्रेंड आज हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और इसको प्रैक्टिस करना कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स ई का पावर एक्स इंटू साइन एक्स। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपल सा जो सोल्यूशन गिवन दिया हुआ है वो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। इसको इक्वेशन वन पुट करेंगे, वन लेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू वाई इजिकल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स साइन एक्स। तब आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि डी स्क्वायर कहाँ से। तो अकॉर्डिंग टू जो एक्सिलरी इक्वेशन होता है, एक्सिलरी इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, मैंने प्लेलिस्ट में जो आपका मैथमेटिक्स टू है उसके नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस मैंने किया है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये, तो उस वीडियो को आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग डी लिख सकते हैं, तो यहीं पे अकॉर्डिंग टू उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर टू है तो डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू डी और प्लस वन इज इंटू वाई इज इक्वल टू इतना। ओके, एंड इसका एक्सिलरी इक्वेशन यानी जहाँ पे डी है वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एम कर देंगे, और इस टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एम का जो वैल्यू आएगा वो दो आएगा। तो इन दोनों वैल्यू के लिए जो आपका सी एफ का फॉर्मूला होगा वो आपका ये होगा सी वन एक्स प्लस सी टू इंटू ई का पावर एक्स। ओके, ये आपका इक्वेशन कितना बन गया, सेकेंड बन गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पी आई फाइंड करने के लिए वन डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू एक्स का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स इंटू साइन एक्स करेंगे। तो यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन आ जाएगा ई का पावर एक्स वन डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर डी प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ई का पावर एक्स इंटू वन डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स साइन एक्स आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा, और उसको हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड कर देना है। जैसे ही आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगा, और फाइनली जो पी आई का वैल्यू आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। ओके, आप लोग सही तरीके से फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ से जो आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा वाई वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और यहाँ से आप सिंपल से वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।